हेलो एवरीवन, मैं अंजु तोमर। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मीशो मैक्सी ड्रेसेस हॉल वीडियो। मेरे को काफ़ी टाइम से मैक्सी ड्रेसेस लेनी थी मीशो से। हाँ, मीशो से ही लेनी थी क्योंकि रीजनेबल प्राइस में तो मीशो पे ही मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं खरीद लूँगी। मेरा काफ़ी टाइम से मन था, बट अभी फाइनली गर्मी आ गई है तो मैंने सोचा कि आज खरीद लेती हूँ अब। सो मैंने कुछ ड्रेसेस ली हैं, देखते हैं कैसी मुझे रिसीव हुई है एंड कैसी उनकी क्वालिटी है। ये जो ड्रेसेस है ना 450 के अंडर हैं सारी की सारी। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसी कैसी ड्रेसेस मेरे को रिसीव हुई है। चलिए, सो फर्स्ट मैक्सी ड्रेस जो मैंने ली है, बाय की है, वो है कुछ इस तरह की। आई डोंट नो, वहाँ पे अभी चमक भी सकती है बट आपको साइड में दिख जाएगी जब मैं इसको ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी। सो ये है कुछ इस तरह की, ठीक है। एंड पूरी तो नहीं आ पाएगी बट ये पूरी इस तरह से है एंड यहाँ बीच में हल्का सा इलास्टिक लगा हुआ है। सो आपको ये अच्छे से कमर से अच्छे से फिट आ जाएगी। प्योर कॉटन के कपड़े की ड्रेस है ये, ठीक है। एंड बहुत हल्का है इसका कपड़ा, इसका जो पैटर्न है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी कलरफुल पैटर्न है, ब्लू येलो डार्क ब्लू इस तरह से इस पर पैटर्न है। काफ़ी प्रिटी लग रही है पहनने के बाद भी एंड काफ़ी अच्छे से फिट भी आ रही है क्योंकि बीच में इलास्टिक आपको अच्छे से दे रखा है। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टिचिंग जिस तरह से की हुई है ना, स्टिचिंग की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड लेंथ वाइज मैं अगर बात करूँ तो लेंथ भी इसकी काफ़ी मुझे डिसेंट लेंथ लगी। इसको मैंने बाय किया था 250 रुपीज़ में एंड इसका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ में मैंने इसको बाय किया है। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड अगर आप इसको चाहते हो बाय करना तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ड्रेस है। ओके, सो अब बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट ड्रेस पे। सो नेक्स्ट जो ड्रेस है ना वो है इस तरह की ड्रेस एंड ये कुछ ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की है। नीचे से ये कुछ इस तरह की है, बहुत ही प्रिटी ड्रेस है, येलो कलर की एंड काफ़ी प्रिटी प्रिटी से फ्लावर बने हुए हैं इसके ऊपर। अगेन प्योर कॉटन की ये ड्रेस है, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, स्टिचिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से हुई हुई है, कपड़े की क्वालिटी नंबर वन है। इसको मैंने स्मॉल साइज़ में मंगवाया था एंड 347 रुपीज़ में मैंने इसको बाय किया। अकॉर्डिंग टू द प्राइस ना ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है यार, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 347 की ड्रेस है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी हल्की सी है एंड इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मेरे को लगी, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। ऑल्सो अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। नाउ नेक्स्ट ड्रेस जो मैंने बाय किया ना, ओ माई गॉड, वो इस हॉल वीडियो की सबसे सबसे खूबसूरत ड्रेस होने वाली है, सबसे प्रिटी ड्रेस होने वाली है एंड लिटरली आप इसको एज अ कुर्ती भी स्टाइल कर सकते हो, लाइक लॉन्ग कुर्ती एंड उसके नीचे से आपने इसका प्लाजो पहन लिया, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो पहले दिखा देती हूँ मैं। सो ये है कुछ इस, ओ वाओ यार, मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोलोगे ओवर एक्टिंग कर रही है बट नहीं, मुझे सच में ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अभी मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी तो आप समझ पाओगे। सो अभी मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको, पैटर्न तो आपने देख लिया होगा किस तरह का है। तो ये है कुछ इस तरह की ड्रेस। आगे से जो इसका गला है ना वो वी कट में है एंड पीछे से इसमें इलास्टिक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके इलास्टिक लगा हुआ है पीछे एंड ओवर। एंड अगर मैं पूरी आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की ड्रेस है एंड नीचे से ना ये इस तरह की है एंड इसके जो स्ट्रैप्स भी है ना वो भी एडजस्टेबल है एंड इससे पहले जो मैंने दो ड्रेस आपको दिखाई उनके भी एडजस्टेबल थे, मैं बोलना भूल गई। सो आप इनको एडजस्ट कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से। क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्योर कॉटन का है इसका भी कपड़ा एंड इसको भी मैंने स्मॉल साइज़ में बाय किया है। इसका प्राइस 445 रुपीज़ है, 445 रुपये में मैंने इसको बाय किया है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस माई गॉड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, बहुत अच्छी ड्रेस है, प्योर कॉटन का कपड़ा है, काफ़ी ज़्यादा हल्की है, बिल्कुल गर्मी का कोई सीन है ही नहीं, गर्मी का तो कोई सीन ही नहीं है। एंड लेंथ वाइज भी अगर मैं इसको बोलूँ तो काफ़ी डिसेंट लेंथ है। मेरे अंदर ना ऐसा आ रहा है कि यार वाह कितनी अच्छी बात कर ली तूने, इसको बाय कर लिया, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और कोई ड्रेस इस हॉल वीडियो में आप लो या ना लो बट इस ड्रेस को तो खरीद लेना, लिटरली आप मेरे को शुक्रिया करोगे, थैंक यू बोलोगे कि यार सही में तूने जो कहा वो बिल्कुल सही था,
बहुत ज़्यादा प्रिटी है। काफ़ी बातें हो गई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारी ड्रेसेस की मिल जाएगी। अब बढ़ते हमारी नेक्स्ट ड्रेस पे। इसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, बट ये तारीफ के लायक है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। नेक्स्ट ड्रेस है कुछ इस तरह की। वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था इस ड्रेस के लिए कि ये भी कॉटन में ही होगी, बट ये कॉटन का कपड़ा नहीं है, ये रियॉन का कपड़ा मुझे लग रहा है। बट ये है कुछ इस तरह की, आई थिंक वहाँ पे चमक सकता है ये वाला जो कलर है, बट मैं साइड में तो आप देख ही लोगे। सो ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। आगे इसका इलास्टिक है, मतलब आगे भी और पीछे की साइड भी इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, एंड ये कुछ इस तरह की है। एंड इसके स्लीव्स कुछ इस तरह की है, पफी वाली स्लीव्स हैं, एंड नीचे से ये पूरी इस तरह से है, एंड बीच में यहाँ पे इसके कट भी लगा हुआ है, ठीक है, ये कट भी लगा हुआ है। अगर मैं ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ ना, तो ये ड्रेस से मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े से हल्के फुल्के धागे भी निकल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे, वहाँ पे पता नहीं दिखेगा नहीं। तो ये वाली जो ड्रेस है ना, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कॉटन की होगी, बट ये कॉटन की नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा हल्की ड्रेस है। गर्मी लगने का तो कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी खुली खुली सी ड्रेसेस। इसको मैंने स्मॉल साइज में बाय किया है, इसका जो प्राइस है 259 रुपीज़ में मैंने इसको बाय किया है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस मैं अभी भले ही बोल रही थी कि ऐसा है वैसा है, पर 250 रुपये में ये ड्रेस मिल रही है, और यार 250 रुपये में, 250 रुपये के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट, आई थिंक लास्ट ड्रेस है। मैंने 5 ही ड्रेसें ऑर्डर की थी, शिट ये भी कॉटन के कपड़े में नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो मेरी ड्रेस है वो है कुछ ओके, कलर वाइज पैटर्न वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट कॉटन में नहीं है ये ड्रेस, ठीक है। एंड ये लिटरली आगे से आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे पिक्चर भी डाल दूँगी, ये कुछ इस तरह की है, एंड ये इसका पीछे से कट लगा हुआ है, एंड पूरी ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये जो ड्रेस है वो भी कॉटन की नहीं है, सबसे पहले ये डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिली। साइज इसका स्मॉल है, एंड इसको मैंने बाय किया था 429 रुपीज़ में, 429 रुपये में मैंने इसको बाय किया था। प्लस स्टिचिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हुई भी है, डिसेंट लेंथ है, लेंथ से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमर पे भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है जिस तरह की इसकी स्टाइल है। ये जो ड्रेस है ना, आई थिंक कॉटन के कपड़े में होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती, एंड आई थिंक ये जो सेम पैटर्न की जो ड्रेस है ना, वो मैंने मिंत्रा पे भी देखी हुई है। जो ये कपड़ा मुझे रिसीव हुआ है, इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, काफ़ी हाई क्वालिटी का कपड़ा है, स्टिचिंग काफ़ी अच्छे से हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। जो इसका पैटर्न है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इस कपड़े के साथ एडजस्ट कर सकते हो एंड आप ओके हो, तो डेफिनेटली आप ड्रेसेस को बाय कर सकते हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इन सभी ड्रेसेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट मेरी जब भी वीडियो आए, आपको किसी भी तरह की वीडियोज़ आए, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।